कि आपको देखना एक चांद को छूने के बराबर है। छू लो चांद को। सर बहुत अच्छा लग रहा है, आप एकदम सामने सच में छू लिया है चांद को। आप में से जो भी लोग चाहते हैं कि ये आज के सेशन का टॉपिक होना चाहिए, वो अपना हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। हाय सर, पहले तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। एक्चुअली सर ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही मेरा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में था। आगे मैं करता गया फाइनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गया, अच्छे खासे पैकेज पे भी आ गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रीम जब होता आपका ट्रू हो जाता, मतलब उस ड्रीम को अचीव कर लेते हो, उसके बाद भी हैप्पीनेस नहीं मिलती, तो उस केस में क्या करना चाहिए? सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक हमारा ड्रीम होता है जिसके पीछे हम पागलों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ड्रीम अचीव हो भी जाता है, फिर भी उसके बाद में खुशी नहीं मिलती, तो क्या करना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे तो, बट आई एम नॉट टू श्योर कि कितने इस क्वेश्चन की डेप्थ को देख पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो ये कह क्या रहे हैं? जो भी लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं उनका ड्रीम क्या होता है कि अच्छी जॉब मिल जाए। सो व्हाट ही इज सेइंग इज कि मेरे को अच्छी जॉब भी मिल गई है, This is what you're saying, right? लेकिन उसके बाद भी अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं, मजा नहीं आ रहा है। कुछ टाइम तक तो बड़ा मजा आया होगा, स्टार्टिंग के 1-2 मंथ। That is what I'm saying. पहला दिन याद करो, पहले दिन मजा आया था नहीं आया था? पहले दिन गए थे, वहाँ पर वो टेबल मिली थी है ना, बैठे थे, ये मेरी जगह, मेरी ड्रीम पूरी हो गई है। अभी क्या होता है कि I also want to share. I do agree with this topic. Like I started my career 4 years back. So I started as a trainee in some company. I was working with Audi at that time as a trainee. So within the span of 4 years, I worked very hard. I worked for almost like 12 hours, 13 hours a day. Within the span of 4 years, I got to become the general manager of the Volkswagen workshop. Even after that, like I have quit my job now because I am looking for the passion. I haven't found anything. What he's saying is again, कि जो मैं चाहता था, जिस लेवल पे पहुंचना, I wished for a cabin, I wished for a workshop under me, I wished like people report to me. So I was taking care of like 158 people were reporting to me. Fine. Still I was like यार कुछ तो है, कुछ missing है, something is missing, there is a void within. So still I am looking for various options and I am still not able to consider which one to choose. कि हमारा mind stable नहीं हो पा रहा है, exactly. Mind deviate करता रहता है। पहले माइंड ये चलता है कि मेरे को वो करना है, यही मेरा गोल है, यही मेरा टारगेट है, यही मेरी जिंदगी का मकसद है, इसको अचीव करना है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद में नजर आता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। तो क्या हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गलत नहीं है? जो हमारे ड्रीम्स का, जो हमारे गोल्स का जो फाउंडेशन है, क्या हम उसको कभी क्वेश्चन करते हैं, या बस पागलों की तरह अपने ड्रीम्स के पीछे, गोल्स के पीछे, डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं पूरी जिंदगी के लिए? क्या इसको हम कॉन्शियसली चूज करते हैं, या ये अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं बेस्ड अपॉन द सिचुएशन जहां पर हम होते हैं, बेस्ड अपॉन हमारे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग? कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से ही आपके ड्रीम्स सेट हो जाते हैं, बचपन से ही आपके माइंड में प्लांट कर दिए जाते हैं जाने अनजाने। कि ये आपके एक अंकल हैं या रिलेटिव हैं, उनकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके जैसा बनना है, बना दिए जाते हैं। कोई नहीं भी बोले तो आपके माइंड में वो आ जाता है। तो क्या आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, वो इमिटेशन नहीं है, वो जाने अनजाने आप औरों को कॉपी नहीं कर रहे हैं। Yes, sir. कि जिसके पास में पैसा ज्यादा है उसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसके पास में पैसा कम है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो पैसा ज्यादा चाहिए, ज्यादा कैसे आएगा? अब आपको ये तो पता ही नहीं है कि पैसा कमाने के कितने तरीके हैं इस दुनिया में। कितने तरीके हैं? 1, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, अनलिमिटेड है। बट क्या वो उन अनलिमिटेड तरीकों के बारे में आपको पता है? उन अनलिमिटेड रास्तों किसके बारे में पता है? जो आपने देखा है। कहां देखा है? अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। कि ऐसा ही नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब एक इल्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं कि आपने किसी को देखा और आपके माइंड में एक एग्जांपल सेट कर दिया गया कि यार ये जो भैया है ना, सो कॉल्ड भैया, मतलब जो भी तो भैया दीदी होते हैं, देखो वो क्या कर रहे हैं। वो बंदा भी अपने आप को जब आपसे मिलेगा, क्योंकि आप उसके साथ रह तो रहे नहीं हो, 24 घंटे तो रहते नहीं हो, तो आपको तो पता भी नहीं कि वो बंदा अंदर से कितना डिप्रेस्ड है, और वो बड़ा चहकता हुआ नजर आया, तो आपको लगा यार मुझे तो ऐसे ही बनना है कि मैं भी खुश नहीं हूं अपनी लाइफ से, अगर मैं ऐसा बन गया इस भैया के जैसा, इस दीदी के जैसा, मजा आ जाएगा, मैं भी ऐसी हंसता रहूं, खेलता रहूं, खिलखिलाता रहूं। अंदर से आपको नहीं पता उसकी क्या हालत है। तो ये सब ऊपरी लेवल पे नहीं हो रहा है। तो डीपली तो कभी हमने बैठ करके समझा ही नहीं कि हमारी खुद की पर्सनैलिटी क्या है, मैं अंदर से क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरे लिए क्या सही है। ऐसा तो कभी बैठ के सोचा ही नहीं, ना आपने खुद ने, ना किसी और ने। तो होता क्या है, ये एक ऐसा पाथ है जिस पर आप चाहे कुछ अचीव करो या ना करो, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती। ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। और अभी आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई है। कितने हैं जो बचे हुए हैं अभी तक? हाँ, सब बचे हुए हैं। मैंने कहा जल्दी गए नहीं तो क्या होता टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे फोकस फोकस। क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ना, अगर एक्चुअल में अगर आप समझ पाओगे, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे लिए नहीं है। क्योंकि आई हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग, जो भी हो सकता है, जहां तक भी आप सोच सकते हो उस सबसे बहुत ज्यादा मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, शायद कुछ निकल के आ जाए। मतलब हम कभी भी बैठ करके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते अपने ड्रीम्स पे, अपने डिजायर्स पे। जैसे ही उससे रिलेटेड कुछ भी हमको नजर आता है, हम बड़ी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, और फिर एक बार फंस गए तो फंस गए। एक्शन लेने से पहले ये सोचना था कि क्या ये जो मेरी ड्रीम्स हैं या जो मेरे डिजायर्स हैं वो सही भी है या नहीं है मेरे लिए। ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा डीप हो रहा है। चलें आगे बढ़ें इसमें और डीप में चलें। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आराम से कुछ दिन का ब्रेक ले लूँ, फॉर अराउंड 1 वीक, 10 डेज। लेना बनता है ब्रेक या नहीं बनता है? मतलब पूरी की पूरी लाइफ का सवाल है ना। वॉट इज एट स्टेक? योर लाइफ इज एट स्टेक। ब्रेक क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लेते और उसी सिचुएशन में घूमते चले जाते हो तो आपका जो एक्शन होगा वो बताऊँ कैसा होगा, मुझे बताना इफ आई एम राइट और रॉन्ग। इमीडिएट जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बस उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप एक्ट कर रहे हो। इमीडिएटली क्या प्रॉब्लम है? पैसे की प्रॉब्लम है, तो मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी पैसे के लिए। क्या हम ऐसे एक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या अगर हम ऐसे ही एक्ट करते रहे तो मरते दम तक हम ऐसे ही एक्ट नहीं करते रह जाएंगे? या कभी भी हम इससे बाहर आ पाएंगे? या कभी भी वो पैसे की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी? तो क्या करना है? पहले तो किसी खुली जगह पर जाओ। ये नहीं कि ब्रेक लेकर के भी कहीं जा करके किसी एक होटल के एक छोटे से कमरे में जा करके बैठे हुए और टीवी देख रहे हो। क्या फुद्दू ब्रेक है ये? ये ब्रेक है ना। ब्रेक मतलब क्या? कहीं ऐसी जगह पर जाओ, या तो ट्रैकिंग करके या कहीं भी, या किसी हिल स्टेशन पे, जहाँ पर चारों तरफ सब खुला पड़ा हो। बाय नेचर हम सबको जितना ओपननेस होती है ना, वहाँ पर अच्छा लगता है। कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को? जैसे किसी पहाड़ के टॉप पे आप चले जाओ, वहाँ पर जा करके खड़े हो जाओ, जहाँ पे चारों तरफ से सब खुला पड़ा है, आसमान है दूर दूर तक, मतलब स्पेस, ओपन स्पेस है। तो वहाँ पे कुछ देर के लिए आप देखोगे, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सब कुछ जीरो हो जाता है। आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगती हैं वो सब छोटी हो जाती हैं उस बड़ी दुनिया के आगे, जैसी वो बड़ी दुनिया आपको नजर आती है। अभी आप एक छोटी सी दुनिया में रहते हो, छोटे से बॉक्स में रहते हो, छोटे से कमरे में रहते हो, वहाँ पर भी कहाँ रहते हो? अपने मोबाइल में रहते हो, छोटे से मोबाइल में जी रहे हो। उस मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअल में बहुत ही छोटी है वो आपके लिए बड़ी है, कि मेरी इस फोटो पे कितने लाइक्स आए, ये आए, अरे क्या ये, दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम जी, कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है? पहले एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर आप जा करके टिक करके कुछ घंटों तक बैठ सको। जैसे 7-8 दिन के लिए गए तो वहाँ पर बार बार दिन में कुछ ऐसा टाइम हो जहाँ पर आप जा करके बैठे हो, जहाँ पर एंटरटेनमेंट की गुंजाइश कम से कम हो। ऐसी कोई जगह चूज कर लो तो और बढ़िया है। यानी चाहो भी तो वहाँ पे टीवी का एक्सेस ना हो, मोबाइल ऐसा लेकर के जाओ जिसमें इंटरनेट की कोई स्कोप ही ना हो। वो चलते हैं ना नोकिया के हाँ, वो लेकर के जाओ ताकि कनेक्टेड भी रहो और ना भी रहो। नहीं तो क्या होगा, वहाँ पर भी बैठ करके वहीं घुसे रह जाओगे, सब बेकार हो जाएगा। डू यू गाइस रियली वांट टू नो, मतलब ये इसमें मज़ा आ रहा है या ज़्यादा लग रहा है? पता नहीं इन सब चीज़ों में किसका कितना इंटरेस्ट है, बिकॉज जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ लोगों को, हर एक को ये होता है कि यार ये सब बातें छोड़ो, आप इमीडिएटली बताओ मुझे क्या करना है। सब ये तो सर कुछ मिलता ही नहीं, कुछ नहीं मिलता है इमीडिएटली। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई कुत्ता है भूखा है, उसको हड्डी दी, चल भाई खा ले, सुनने में कड़वा लगेगा, बस इतना ही होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको इंसान बनना है तो उसका क्या रास्ता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जस्ट फील द वननेस विद एवरीथिंग, जस्ट सी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब देखो एक बार, और फिर आप जब देखोगे तो क्या होगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ है ना छोटी मोटी, वो सब एकदम से उड़ जाएंगे। अब वहाँ पे आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके अपने आप से सवाल पूछो कि जो भी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, यानी पैसे की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, अगर वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो तो मैं क्या करूँगा? If money is not a concern for me, then मैं क्या करूंगा? अभी जो भी आप कर रहे हो, क्या उसका कनेक्शन पैसे से नहीं है? सोचो, आराम से सोचो कि पैसा ही उसकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। मैं स्टार्टिंग पॉइंट ही बदलने की बात कर रहा हूं, फाउंडेशन ही बदलने की बात कर रहा हूं। ये फाउंडेशन ही गलत है। इफ मनी इज नॉट अ कंसर्न फॉर मी, पैसा मिले या ना मिले, अब मैं क्या करूंगा? जस्ट स्टे विद दिस क्वेश्चन बिकॉज इससे इंपॉर्टेंट और कुछ है नहीं। वॉट इज इट दैट आई डीपली वॉन्ट? एक बार को मैं उन सबको छोड़ देता हूं जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, जो भी मेरे अंदर फीड कर दिया गया है जाने अनजाने, इधर उधर से, सब तरफ से। डीप विद इन क्या है ऐसा? सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है जी। फिर वहां से आपको एकदम से आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डीपली वॉन्ट टू डू। अब इसको करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो अब उसके लिए जो टॉर्चर होगा आपका, उसमें भी आपको मजा आएगा। और अगर ऐसा आप नहीं करते, ये काम जो करने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, ये कभी करते ही नहीं हो और सिर्फ चलते चले जाते हो वैसे ही जैसे सब चल रहे हैं, तो क्या होगा? आपको अगर बहुत पैसा भी मिल जाएगा कोई ऐसा काम करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, तो ऊपर ऊपर लेवल से आप दिखा सकते हो कि मैं बड़ा खुश हूं। डीप विद इन कुछ होगा ही नहीं, अंदर से सब खाली का खाली होगा। अंदर से डिससेटिस्फैक्शन होगा बिकॉज यू डोंट लव द थिंग दैट यू आर डूइंग। तो वहां पे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा जी? गड़बड़ क्या हो जाती है, हमारा दिमाग बहुत ही कन्फाइंड है, बहुत ही एक लिमिटेड दायरे में सोचता है। तो जैसे ही मैं ऐसा कुछ भी बोलूंगा, आपके माइंड में क्या आएगा? बट वहां से पैसा नहीं आएगा। हो सकता है जो आप अभी काम कर रहे हो वो पीनट्स हैं उसके आगे जो वहां से आ सकता है। हो सकता है उससे लाख गुना ज्यादा पैसा आ सकता है, बट आपको पता नहीं है कि कैसे आएगा। ये आप बोलो तो सही है। आप गलती क्या करते हो, यहां पर भी क्या बोल देते हो, ये मैं कर तो लूंगा लेकिन यहां से आएगा ही नहीं। मतलब क्या है कि जो मैं कर रहा हूं वहां से आएगा। मतलब क्या है कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कंफर्ट जोन में ही चलता चला जाऊंगा। और फिर आपके क्वेश्चन होंगे कि ये जो मेरा कंफर्ट जोन है, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, मंडे के नाम से ही मेरे को डर लगने लग जाता है, फ्राइडे को मेरे को मजा आने लग जाता है, अब मैं यहां पे खुश कैसे रहूं? कैसे खुश रहोगे? आपको ही फिगर आउट करना है, कोई और आकर के आपको नहीं बता सकता है कि आप क्या करो, कि आपके लिए क्या सही है। हो सकता है वहां पर आप जाओ और जा करके, ये भी हो सकता है, देखो इसका मैं एक और साइड भी आपको दिखा रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि आप वहां पे जाओ एक हफ्ते के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से बैठो, आपको यार सब कुछ सही तो है, मुझे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। सर लेकिन हमें ये फ्रीडम अपने घर पर ही चाहिए, क्योंकि जनरली लड़कियों को अकेले बाहर बहुत कम जाने दिया जाता है। टेरेस भी ठीक है, टेरेस भी बड़ा सही है। मतलब टेरेस पे भी अगर आपको कोई ऐसी जगह मिले जो इतना सेफ हो, मतलब कि ऊपर टंकी के ऊपर वहां पे चढ़ के करके, देखा नहीं है मूवीज के अंदर, खुली जगह हो, मतलब आपके सर के ऊपर पूरा खुला आसमान हो, दूर दूर तक आपको एक ओपननेस नजर आ रही है, वहां पे बैठो आराम से, तो माइंड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। उस टाइम पे आप यूज करो उस टाइम को, जब माइंड पूरी तरह से एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऐसा कंप्यूटर बन जाएगा आपकी जो ब्रेन है, जो अभी अभी फॉर्मेट हुई है। अभी कैसी है हमारी ब्रेन, हैंग हुई पड़ी है। मैं बात क्या कर रहा हूं, अपनी ब्रेन को कैसे फॉर्मेट किया जाए। एकदम से माइंड ढह गया। अब आप क्या कर रहे हो, आराम से बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हो सकता है जवाब ये मिले कि जो भी मैं अभी कर रहा हूं या कर रही हूं वो सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ मेरी देखने की नजर ही खराब है। ये भी हो सकता है। हो सकता है कुछ करने की जरूरत ही ना हो, मतलब आप ऑलरेडी एक ऐसी जॉब कर रहे हो, आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है जहां पर आपको बहुत ज्यादा टेंशंस नहीं चाहिए। आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जहां पर के बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स ना हो, जहां पर बहुत ज्यादा कोई ऊपर जो बॉस है वो थोड़ा ठीक ठाक हो। तो हो सकता है वो सब ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, लेकिन आप जबरदस्ती परेशान हो। तो जब माइंड ब्लैंक हो जाएगा कुछ देर के लिए, तो उस टाइम पे अंदर से एकदम से निकल करके आएगा, अरे सब कुछ सही तो है, कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, एवरीथिंग इज फाइन। मतलब इस इल्यूजन से भी बाहर आ जाओ कि कुछ करना ही पड़ेगा। यानी आपकी एक रिलेशनशिप है किसी के साथ में, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, अभी तो नहीं है लेकिन जब फ्यूचर में होगा, तो हो सकता है आप बहुत दुखी हो अपनी लाइफ से कि पता नहीं क्या है क्या है, ये है। आप जब ऐसे बैठो खाली में, आप कहोगे अरे सब कुछ सही तो है। असली जो काम होगा ना, ऐसी जगह पे जाने से या वो करने से क्या होता है, दिमाग खुल जाता है आदमी का। अभी जो हमारी सबकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है, उसकी जड़ क्या है, दिमाग बहुत ही कन्फाइंड है, बहुत छोटी सोच है। छोटी सोच में हम जाकर के फंस जाते हैं और खुद ही दुखी होते हैं। एक्चुअली में दुखी होने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के पास में इतना पोटेंशियल है, इतना पीछे से इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके कुछ भी किया जा सकता है। फिर भी हम स्टक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? माइंड स्टक हुआ पड़ा है। तो सारा जो खेल है वो है दिमाग खुलने का। दिमाग ऐसी जगह पे जाकर के खुलेगा और जैसे खुल जाएगा उसके बाद में आपको सब कुछ नजर आने लग जाएगा। आपको नजर आएगा कि मेरे अंदर किस किस तरह की चीजें छुपी हुई है, उससे रिलेटेड मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपको जो अभी आप कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में अभी है ऑलरेडी, उसकी पॉजिटिव साइड्स नजर आने लग जाएंगी। आपको अपनी कमियां नजर आने लग जाएंगी। अभी क्या होता है, जब आप जहां पर फंसे हुए हो अपने घर में या यहाँ पे वहां पे, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों की कमियां नजर आती है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। अपनी कमियां क्या कभी नजर आती है? नहीं आती है। ऐसी जगह पर जब आप जाओगे तो आपको अपनी कमियां नजर आ जाएंगी, अपनी हो चाहे किसी और की हो, जो है एक्चुअल में वो नजर आने लग जाएगा। अभी आपके अंदर बहुत कुछ है, वो दिख नहीं रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। दिख भी जाता है तो उससे क्या हो सकता है वो नहीं दिखता है। ये आ रहा है, समझ ज्यादा हो गया है। मैं एक डीपर लेवल में जा रहा हूं, अगर आप इसको देख पा रहे हो मैं कहां जा रहा हूं इस वक्त। मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके माइंड के लेवल पे, जहां पे जाकर के आप फंसोगे। जैसे ही फंस जाओगे आप कैद हो जाओगे। जैसे ही कैद हो जाओगे दुखी हो जाओगे। जो कैद में है वो दुखी है, चाहे जानवर है चाहे इंसान है। जो बिल्कुल भी कैद में नहीं है वो खुश है। किसी तरह की कोई कैद ही नहीं है, किसी तरह की कोई बाउंड्रीज नहीं है। जब हम बिल्कुल आराम से टिक करके बैठते हैं तो हमें क्या नजर आता है? सबसे पहले हम जो अंदर एक्चुअल में होते हैं वो नजर आता है, अपनी पावर्स नजर आती है। यार मैं आई एम नॉट जस्ट अ स्पेक इन दिस यूनिवर्स, आई एम द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। इसका मतलब समझ पा रहे हो? मैं कोई चिंदी सा यहाँ में वो नहीं आया हूँ। आई एम द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस होल यूनिवर्स। ये पूरा यूनिवर्स मिल करके यहाँ तक पहुंचा है। ये हो पाए जो अभी हो रहा है, उसके लिए इस यूनिवर्स ने पता नहीं कितने करोड़ों अरबों सालों तक काम किया है और अभी भी कर रहा है। क्या बनाने के लिए? ये बनाने के लिए। ये आपको नजर आता है। फिर आपको नजर आती है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। रास्ते भी नजर आ जाते हैं। अभी रास्तों में जाके हम स्टक हो जाते हैं। हाँ मेरे अंदर ये तो है, लेकिन मैं क्या करूं? वो लेकिन हट जाता है। लेकिन क्या होता है? व्हाट इज दिस लेकिन? अगर कोई भी स्ट्रेंथ आपके अंदर है तो वहां से अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो कोई मुश्किल थोड़ी ही है, लोग कमा ही रहे हैं ना। लेकिन हम कहाँ जाकर के वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो ये सारे जहां पे भी आप स्टक हो रहे हो ना, वो सब खुलता चला जाता है। आप कह सकते हो नॉट्स हैं, एक तरीके की गांठें पड़ी हुई हैं अंदर के अंदर, माइंड के लेवल पे। वो गांठें खुल जाती हैं कि मेरे अंदर कितनी पावर्स हैं? अनलिमिटेड पावर्स हैं। चलो जी, उन अनलिमिटेड पावर्स में से किसी एक पावर को भी पकड़ा जाए तो उससे क्या किया जा सकता है? अनलिमिटेड चीजें करी जा सकती है। वहां से कितना कमाया जा सकता है? अनलिमिटेड कमाया जा सकता है। तो ऐसे सब तरफ से सब कुछ खुल जाता है एकदम से। मैं एक की बात कर रहा हूं, बात देख पा रहे हो आप? डेप्थ देख पा रहे हो इस बात की कि अनलिमिटेड पावर्स, उसमें से एक को पकड़ो, उससे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। उन सब पॉसिबिलिटीज में से किसी एक पॉसिबिलिटी को पकड़ो, उससे अनलिमिटेड स्कोप ऑफ ग्रोथ। कहीं कोई लिमिटेशंस है ही नहीं, नजर ही नहीं आती है। सारी लिमिटेशंस यहां पड़ी होती है। जैसे वो टूट जाती है फिर आप धीरे 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 आगे बढ़ने लग जाते हो। छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर आगे बढ़ते हो। फिर आप वो सब कुछ करने लग जाते हो जो भी आप करना चाहते हो एक्चुअल में, जो डीपली आप क्या करना चाहते हो, जो भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जब अगर माइंड खुल जाए तो। अगर माइंड बंद है तो कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं। माइंड खुल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। तो आप कुछ भी करना शुरू कर दो। फिर आप भी कुछ भी कर सकते हो। शुरुआत कहीं से होती है, थोड़ा बहुत कुछ करने से। धीरे 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 सब कुछ आपके सामने खुला पड़ा होता है। कुछ भी करो, अब पूरी तरह से फ्री हो। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है।